ओके जी, तो कॉम्पैक्ट पॉन के हम हिस्टो डायग्राम बनाएंगे। इट्स वेरी इजी। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, इसी के सामने एक छोटी सी इसी तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे और इन्हें हम आपस में लाइक दिस एंड लाइक दिस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके दोनों एंड्स को थोड़ा सा डार्क करना है। इस एंड को भी हम डार्क कर देंगे और इस एंड को भी हम अंदर वाली साइड से डार्क कर देंगे। उसके बाद आ गई इसका मेन स्ट्रक्चर, दैट इज़ ओस्टियोन। ओस्टियोन किस तरह से बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम। एक सर्कल बनाया पर्पल कलर का, इसे थोड़ा सा दूर करके एक पिंक कलर का दायरा बनाएंगे हम इस तरह से डार्क कलर का, और उसके बीच में हम ऐसे लाइट कलर की दो पिंक लाइंस लगा लेंगे। ओके, फिर एक पर्पल कलर का दायरा, इसे थोड़ा सा दूर करके हम पिंक कलर की इसकी बाउंड्री बनाएंगे और इसके अंदर दो लाइट पिंक कलर के सर्कल्स। इसी तरीके से हम बाकी सारा भी कवर करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमने सारे बना लिए, अब ये जो डार्क बाउंड्री के अंदर दो लाइट पिंक लाइंस थी, इनके अंदर हमने छोटे छोटे से पिंक कलर के यूं दायरे से, ये हम कह सकते हैं ओवल शेप स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और उनके अंदर से हमने थोड़ी थोड़ी सी लाइनें निकाल देनी है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये ओस्टियोन्स है, इनके अंदर से हमने यूं लाइंस निकाल दी। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, ये हमने पिंक कलर के ओवल्स बनाए और इसके अंदर से छोटी छोटी सी लाइंस निकाल दी। ठीक है, इसके साथ आपने एक और काम क्या करना है कि ये जो पिंक कलर के छोटे छोटे सर्कल्स हैं इनके अंदर हल्का सा पर्पल शेड भी दे देना है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट ऑस्टियोसाइट्स। ये पर्पल से हम ऑस्टियोसाइट्स रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से आपने बाकी भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, ये सब के अंदर मैंने इसी तरीके से पिंक दायरे बना के उसके अंदर से छोटे छोटे लकीरें निकाली और उसके बाद इस पिंक दायरे के अंदर छोटे छोटे पर्पल डॉट्स लगा दिए। अब हमने क्या करना है, ये जो पूरी हमारी डायग्राम है इसी के अंदर हम यू पिंक कलर की लाइंस बनाएंगे। ठीक है, जहाँ से ये जुड़ सकती है वहाँ से हम इसको ये देखें ऐसे बीच में से निकाल लेंगे और जो सीधी आ रही है जैसे ये कंप्लीट आ सकती है इसे हम पूरा कर देंगे लाइक दिस। ये हो गई हमारी लाइंस। अब इन लाइंस के अंदर हम लगाएंगे छोटे छोटे पर्पल यूं दायरे, जैसे हमने इनमें छोटे छोटे पर्पल लगाए थे ओस्टियोसाइट्स, वही ओस्टियोसाइट्स इधर भी हैं। पर्पल हिस्टो पेंसिल्स, और इसी पर्पल हिस्टो पेंसिल को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे हल्के हल्के से यूँ डॉट्स की दो तीन लाइंस लगा देंगे कि रिप्रेजेंट हो जाए थोड़ा सा, बस अलग से एक लाइन सी आएगी। दैट्स इट, ये हो गई हमारी कॉम्पैक्ट बोन की डायग्राम। तो अब इसको करते हैं हम लेबल। ठीक है, ये जो हमने पर्पल कलर के डॉट्स बनाए थे ये बड़े वाली लाइन के साथ, दिस इज़ पेरिओस्टियम और ये छोटे वाले डॉट्स आर एंड ओस्टियम। ठीक है, ये वाली डार्क लाइन इज आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला,
जबकि ये वाले जो है दिस इज इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेला। अब ये जो पूरा एक गोल दायरा है, इस एक गोल दायरे को हम कहते हैं ओस्टियोन। ओस्टियोन की अकेली डायग्राम भी पेपर में बनाने के लिए आ सकती है। ओस्टियोन के अंदर ये जो पर्पल दायरा है दिस इज हैवर्शन कैनाल। ये जो पर्पल डॉट्स हमने बनाए थे ये दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये जो बीच में स्पेस बन जाती है दैट इज लैक्यूना। और साथ में ये जो हमने गोल दायरे के साथ छोटे छोटे से गोल दायरे को भी हम लैक्यूना ही कहेंगे, उसके अंदर ऑस्टियोसाइट है पर्पल कलर का। और ये छोटे छोटे जो हमने जो है लाइंस निकाली थी इसे इसे हम कहते हैं किनेली, किनेली क्यूले भी कहते हैं इसको, किनेली क्यूलाए भी कहते हैं इसको। तो क्या कुछ भी लें बस लिख सही आए। और ये हो गई हमारी कॉम्पैक्ट पॉन की डायग्राम विद अ डिस्क्रिप्शन एंड लेबलिंग वगैरह सारा कुछ।